सांडल ऋषि ने कहा कि सुनो तम दत्त चित्तो मई रेशम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्त रितुक्ता व्यापना तम ब्रज उच्छते। सांडल महात्मा ब्रज की महिमा का वर्णन करते हैं। महात्मा सांडल ने कहा प्रिय परीक्षित और वजनाभ, मैं तुम लोगों को ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्त चित्त होकर के सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ होता है व्यापक, ब्रज का अर्थ पूरा नाम है ब्रह्म रज यानी परमात्मा के चरणों की धूल। ब्रज का अर्थ संस्कृत में होता है व्यापक, जिसके कड़कड़ में भगवान नारायण की कृष्ण की व्यापकता है, इसलिए इसको ब्रज कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस ग्रंथ में महात्मा सांडिल ने ब्रज शब्द का वर्णन किया, ब्रजनम व्याप्त तिक्ता व्यापनाद ब्रज उच्चते। ब्रज उसको कहा गया है कि जहां के लता पताकाओं में, वृक्षों में, पानी में, पत्थरों में, सब जगह कृष्ण की व्यापकता है। वहां हर जगह से ऐसा अनुभव होता है कि यहीं से भगवान दौड़ते आ रहे, कृष्ण का आगमन यहीं से हो रहा है। जितनी व्यापकता श्री ब्रज में है, ऐसे कृष्ण प्रीति की बात कहीं दूसरी जगह दिखती नहीं है। हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, लेकिन वृंदावन में जाते ही सब पूरा वातावरण वहां कृष्णमय होता है। दीवालों पर देखो तो लिखा है राधे कृष्ण, बिजली के खम्भों पर लिखा है राधे कृष्ण, दूधिया वाला आता है, दूध वाला आता है दूधिया, उसके मुंह से भी राधे राधे। पूरा ब्रजमंडल राधा कृष्ण से, उसके गूंजों से, जयकारों से भरा हुआ है। परमात्मा के नाम की व्यापकता जिस जगह पर समाहित है, वृक्ष लता पताका सब कुछ भी हो, महात्मा सांडिल्य कहते हैं जो सर्वव्यापक है, जहाँ की माटी में, जहाँ की माटी स्वयं कृष्ण में है, जहाँ के वृक्ष पशु और पंछी स्वयं कृष्ण में है, सब जगह इनकी व्यापकता होने की वजह से इस धरती का नाम ब्रज है, इसलिए इसका नाम ब्रज हो गया। ब्रज 84 कोस की इतनी बड़ी महिमा बढ़ गई है, भूल करके भी कोई ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगा ले, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रज जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से धन धन हो गया।